नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो प्रोडक्ट टेस्ट हो रहे हैं अभी दिसंबर के महीने में 2018-19 में, उसी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 80 मार्क्स का आता है और ये जिसकी टाइमिंग होती है 3 घंटे की। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आया था और आपको कैसे करना था। तो जो जो दोस्त मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके दोस्त 9th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या था ये क्वेश्चन पेपर? तो जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए, इससे आपको पेपर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए में आपको रीडिंग होती है, जो कि हमारी अनसीन पैसेज होती है, मतलब जिसे आपने कभी देखा नहीं होता है, वो पैसेज होते हैं। और इसी के बेसिक पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको एक पैरा दिया हुआ है, ठीक है, और ये पैरा जो है आगे भी दिया हुआ है यहाँ तक, और इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप स्क्रीन शॉट लेके इन पैरा को आप पढ़ लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप ये पैदा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किन्हीं 8 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 9 या 10 हैं। तो आपको इनमें से टोटल 8 का जवाब देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए 9 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कोई एक छोड़ना है और कोई 8 करने हैं, जो कि सभी एक एक मार्क्स के होते हैं। ओके, तो 8 नंबर का वो पैसेज हमारा पूरा होगा। उसके बाद आता है हमारा ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा रीडिंग पैसेज है, इसमें भी आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, इससे बेसिस भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 12 नंबर का है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, यहाँ पर बोल रखा है कि आपको कोई 4 करने हैं, तो आप इनमें से कोई 4 कर सकते हैं पैसेज में से ढूंढ के। ये बहुत ही ईजी होते दोस्तों, बस क्या होता है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा मतलब आपकी अगर इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और आपको यहाँ पर जो वर्ड इन 4 ऑप्शन में से जो वर्ड आपको सही लगता है, जो आपने पैसेज पढ़ा है उस लाइन में जो दे रखा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने क्या होगा, और बहुत ही ईजी है। अब हमारा आता है राइटिंग स्किल का ग्रामर का पार्ट, जो कि 30 मार्क्स का आता है, सेक्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, जो कि आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दे रखा है, आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है 150 से 150 वर्डों में। ठीक है, उसके बाद आपको एक आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको और में यानी कि अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए डायरी एंट्री अबाउट एंजॉय टू सेलिब्रेशन फॉर द फेस्टिवल दिवाली लास्ट वीक सिल फ्रेंड रिलेटिव हाई एंड लो एज वेल एज आइडियाज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक डायरी की तरह इसको लिखना है, यहाँ से आपको कुछ जो वर्ड हैं वो मिल जाएंगे। ये दोस्तों 8 मार्क्स का है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने ये आर्टिकल लिखा होगा, क्योंकि आर्टिकल लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या लिखा है। ओके, उसके बाद आता है हमारे ये 4th क्वेश्चन, जिस जो 10 मार्क्स का होता है, इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ स्टोरी में जो काम आने वाले वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैरे में आपको दिए हुए हैं। इन दोनों में आपको यहाँ से कोई स्टोरी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है दोस्तों स्टोरी लिखना, और आप इसमें जो भी लिखेंगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बेशक से आपको 1-2 मार्क्स कम मिल जाएं, लेकिन आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर सही ऑप्शन डालने होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में विथ सुटेबल वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर क्या क्या वर्ड आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, जो भी आपको सही लगता है, यानी यहाँ पे जो आने वाला है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। ओके, आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपको यहाँ पे पूछा गया कि ये जो मिसिंग वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है बिफोर और उसके बाद का। ठीक है, तो आप इस लाइन में आपको कौन सा वर्ड ऐसा है जिससे पहले कुछ और आना चाहिए था वो लिखना है, मिसिंग क्या वर्ड है वो लिखना है, और उसके बाद क्या वर्ड आएगा वो लिखना है। ठीक है, तो ये 1-1 मार्क्स के हैं, आपको 4 करने हैं, 4 ही हैं टोटल। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक मार्क्स के हैं सभी, तो आपको यहाँ पर इनका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस में जो वर्ड आएंगे वो सभी यहाँ पे हैं, आपको करेक्ट वर्ड लिखना है कहाँ आगे पीछे क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी आता है दोस्तों हमारा 30 मार्क्स का, जो कि आपकी बुक से लिया गया है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपसे एक पोएम दे दी जाती है और दो चार लाइनें दे दी जाती है, फिर आपको चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं, उसी में है, ठीक है। तो उसमें आपको ये चार ऑप्शन दिए, मतलब ये पोएम है आपकी, उसमें भी आपको चार ऑप्शन नहीं, ये आपके क्वेश्चन ही हैं चार, इन्हीं में से आपको पढ़ के इसे करना होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से मिट गया है, ये क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, दूसरा ये वाला है, ठीक है। दो दो मार्क्स के सभी क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 क्वेश्चन हैं और आपको कुल 5 करने हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया है, कोई अगर एक आपको नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए 8 मार्क्स का है और इसमें आपको आपकी शायद ये नोवेल है, मुझे नहीं पता ये नोवेल है क्या है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपकी नोवेल है, ये नोवेल से शायद ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई सा एक कर सकते हैं जो कि 8 मार्क्स का आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 11 में आपको यहाँ से भरना है, मतलब ये क्वेश्चन है एक, एक ये क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपसे कोई करना है, आपको कोई करना है, ठीक है, जो कि 8 मार्क्स का आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा और आपको पता लग गया होगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, और जो आगे बच्चे आएंगे इस क्लास में उनको भी पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई और एक्साइटिंग वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।